नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार जानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में 2021 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। हम आपको जितनी भी वीडियो करवाते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, वो सभी के सभी वीडियो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आने वाले वीडियो के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रखें और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक किस प्रकार से किया जा रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर से बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यदि कोई वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे कुछ इस प्रकार से, आपका वर्ग है जो कि उसकी लंबाई हर में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो उस प्रकार से आपको देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप इस प्रकार से कर देंगे, ए प्लस बी बराबर ए बी बटे में आ जाएगा आपका 100। इसको आप फिट कर देंगे इस सवाल में तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो हम आपको विगत कुछ दिनों से करवा रहे हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाएं। देखिए हर भुजा में ए और बी को हम मानेंगे 10, कितने मानेंगे 10, क्योंकि हर भुजा में उसका वृत्तज 10% हो रही है। ए बी यहाँ पे भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका इनटू में, जो कि इनटू आपका छिपा रहता है, नीचे करना है आपको 100 से भाग। ठीक है, तो अब इसी को काट पीट देंगे, आपका राइट आंसर है। देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, एक को एक का ऊपर गुणा हो जाएगा और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 20+1 यानी कि आपका 21% राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के एग्जामों में। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आते हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, अगर इसमें कोई आपको डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में, जो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर जाने पर क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृद्धि या अथवा कमी होगी। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट कम है, उसमें भुजा इसमें चौड़ाई पूछा गया था, लेकिन वो कर नहीं वही है। आपको कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो कि आपने पिछले सवाल में लगाया था। इसमें भी आप वर्ग के हिसाब से करेंगे, लेकिन इसमें आपका लगेगा -12 फॉर्मूला, इसमें क्योंकि हानि पहले आपको दी गई है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको उसी प्रकार से करना है। जो कि उसमें यहाँ पर प्लस किया था इसमें आप माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 में से 10 में से 10 आप माइनस करेंगे तो अभी पहले आप इसको काट लें। ठीक है, हो जाएगा इसका, आपने यहीं पे काट दिया, कट जाएगा क्योंकि माइनस का है, कट जाएगा यहाँ पे, जो गुणा का 1 बचा तो -1% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दें। एक दो प्रकार के आपको क्वेश्चन करवाने थे, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने दोनों क्वेश्चन को सीखा है तो एक बार लाइक करके जरूर से आप जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। के लिए वंदे मातरम।